प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर प्लग इन है इसका, इसको पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं, ये टर्निंग ऑन हुआ है ताकि ये लाइट इसकी पावर वाली ऑन हुई है, कैप्स लॉक की लाइट एक दफ़ा ब्लिंक हुई है साथ ही बंद हो गई है। दोबारा इसको ऑन करते हैं, ये चक्की है, कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक करती है साथ ही ऑफ हो जाती है, यही प्रॉब्लम आ रहा है। जब भी ऑन करते हैं कैप्स लॉक की लाइट एक दफ़ा ब्लिंक करती है साथ ही बंद हो जाता है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज भी एक नए इन्फो के साथ मैं आपके इधर में हाजिर हूँ। ये एच पी का लैपटॉप है, इलाइट बुक है, 840 मॉडल है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर प्लग इन है इसका, इसको पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं, ये टर्निंग ऑन हुआ है ताकि ये लाइट इसकी पावर वाली ऑन हुई है, कैप्स लॉक की लाइट एक दफ़ा ब्लिंक हुई है साथ ही बंद हो गई है। दोबारा इसको ऑन करते हैं, ये चक्की है, कैप्स लॉक की लाइट ब्लिंक करती है साथ ही ऑफ हो जाती है, यही प्रॉब्लम आ रहा है। जब भी ऑन करते हैं कैप्स लॉक की लाइट एक दफ़ा ब्लिंक करती है साथ ही बंद हो जाता है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने ये डी कवर जो है ना उतार लेना है इसका, ये डी कवर उतर गया। सबसे पहले आपने इसकी बैटरी जो है ना वो अपने डिस्कनेक्ट कर लेनी है, ये लॉक्स हैं बैटरी के, ये बैटरी उतर गई। उसके बाद ये सीमोस लगा हुआ है इसका, ठीक है, ये सीमोस उतार लेना आपने इसका जैक, सीमोस का, ठीक है, ये सीमोस का जैक उतार लिया। उसके बाद ये रैम चेक कर लेनी है आपने, रैम को कार्बन वगैरह तो नहीं आया, ठीक है, रैम तकरीबन साफ़ लग रही है, लेकिन फिर भी इसको सफाई वगैरह करके, तो ये स्लॉट की भी सफाई करके उसको लगाते हैं। दोनों रैम स्लॉट की सफाई करके आपने, तो ये रैम लगानी है, ये लगाते हैं रैम इसको, वो इसको टर्निंग ऑन करते हैं। ये सीमोस का जैक हमने उतारा होगा, ये अडाप्टर प्लग इन करते हैं, ये ऑन हो गया। चेक कर रहे हैं बंद हो गया, कैप्सला की लाइट ऑफ हो गई, लेकिन ये फ्रंट के ऊपर अभी इसकी लाइट्स ऑन है। दोबारा इसको टर्निंग ऑन करते हैं, ये पावर वाला बटन पुश नहीं हो रहा, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइट्स ऑन है इसकी, वाईफाई की और स्पीकर की, लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। अभी इसको ज़रा ये अडाप्टर लगा उतारते हैं, उसको हम रैम दूसरी लगा के कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है, प्रोसेसर वैसे हीट अप नहीं हो रहा, दूसरी रैम लगा के चेक कर लेते हैं इसको, रैम उतार लेते हैं। तो ये रैम जो है ना दूसरे वाली हम लगाते हैं इसको, बिस्मिल्लाह, ये भी इसको टर्निंग ऑन करते हैं, ऑन हुआ है, कीबोर्ड्स की लाइट भी ऑन हुई है, पहले कीबोर्ड्स की लाइट ऑन नहीं थी होती इसके, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया। तो ये रैम लग रहा है कि ख़राब है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेंगे विंडो वगैरह इसकी कंप्लीट रन करके, तो इसकी दूसरी वाली जो पुरानी रैम है वो लगा के वेरीफाई करने के लिए, तो इसको ऑन कर लेंगे। अभी ये दो तीन दफ़ा रिस्टार्ट होगा, ऑन ऑफ होगा, उसके बाद जो है ना इसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह होगी, फिर ये प्रॉपर तौर के ऊपर डायरेक्ट जो है ना विंडो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट जो है ना शट डाउन करते हैं, शट डाउन करके इसकी रैम जो है ना लगाते हैं, तो इसको शट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये पुराने वाली जो रैम है ये वेरीफाई करने के लिए लगाएंगे,
स्लॉट के अंदर ये वाली रैम अपने वाली हम उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह, रैम उतार ली हमने। इसको टर्निंग ऑन करते हैं। वही सेम कंडीशन है, टर्निंग ऑन की है, कैप्स लॉक की लाइट ग्रीन होती है, ठीक है, और साथ ही बंद हो जाता है। तो इसकी रैम का ही प्रॉब्लम है, रैम ख़राब है इसकी। ये रैम चेंज करेंगे, रैम इसकी दूसरी लगा देंगे, तो ये बिल्कुल ओके है वेरीफाई है। तो आज के लिए फ़िलहाल इसको रैम लगा के तो मुकम्मल वेरीफ़ाई करके इसको विंडो वगैरह इसको रन कर लेते हैं। ये रैम का ही प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।